हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्जोर कनाडा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं और हैरी भी बिल्कुल अच्छे हैं। हैरी से हाय। हाय हाय। सो इट्स अ वीकेंड डे। ओह बोला हाय, बोला हाय। तो हम सब अभी घर पे हैं और आज दिन भर की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ जाना है। मैंने सुना है आज इग्लू फेस्ट हो रहा है। दीपक मुझे बहुत दिन से बता रहे हैं इग्लू फेस्ट हो रहा है, इग्लू फेस्ट हो रहा है। तो आज हम इग्लू फेस्ट जाने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे घर के काम हैं जो वीकेंड में होने होते हैं। वो सारे घर के काम मुझे फिनिश करने हैं, उसके बाद स्टे ट्यून, बाय बाय। तो मैं बना रही हूँ चीकू के लिए नाश्ता। इसे सुबह उठते ही भूख लग जाती है और इसे सुबह सुबह चाहिए कुछ सॉलिड फूड। तो मैंने चीकू के लिए नाश्ता रेडी कर दिया है। इट्स बटर ऑमलेट और स्क्रम्बल एग। सो चीकू का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और चीकू को इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है। चीकू टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। देखो देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है। आज मौसम भी थोड़ा साफ सा हो रहा है, 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, तो बड़ा अच्छा सा माहौल हो रहा है। वैसे जनवरी फरवरी में यहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पर ऐसे तो मैं आ गई अब थोड़े बर्तन धोने। रात को बर्तन धोना थोड़ा भूल गई थी, भूल क्या गई थी, चिक के चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल जाता है। तो अब मैं बर्तन धो के अब नाश्ता बना। आज संडे है, सैटरडे है, तो दीपक भी घर में, तो इट्स अ फुल फैमिली डे। चीकू इज प्लेइंग देयर। पूरे घर में मैं कितना क्लीन कर लूँ अपने घर को, आधे घंटे में चीकू वैसा का वैसा कर देता है वापस। आज नाश्ते में मैगी बनाई है। मैं कितने दिन से सोच रही हूँ कि डाइटिंग करूँगी, पर मैगी दिखते ही मेरा वापस मेरी नियत बिगड़ जाती है। मैंने फिर बना ली आज मैगी। और मैगी के साथ मेरी अदरक वाली चाय। यार सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पीऊँ मेरा तो दिमाग ही नहीं खुलता, कुछ काम करने का ही मन नहीं करता, इसलिए चाय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, पर अभी दीपक का पता नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी देर में मुझे बोल दे कि इससे मेरा मन नहीं भरा, मुझे कुछ और खिला दो। अभी के लिए इतना ही। हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती अगर हम चिकू के साथ थोड़ी देर नहीं खेल लें। ये सुबह 7 बजे उठ जाता है और फिर कभी मुझे उठाएगा, कभी दीपक को उठाएगा। बेबीज यार इतने क्यूट होते हैं ना, मतलब जब तक ये होते नहीं है ना तब तक तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन जब बेबीज हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना, हम इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते। अभी हम इतनी, हमारी फैमिली कंप्लीट सी लगती है ना, और अब एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम हैरी के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर पाए। इतना इतना फुलफिल सा महसूस होता है ना जब बच्चे आ जाते हैं। अभी अपने पापा के साथ खेलने के बाद मेरे पास आ गया है। कहीं से भी घूम फिर के आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास ही आ जाएगा कि मम्मा मम्मा मम्मा। मैं बहुत दिन से अपना हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, सो आज मैंने लिया है अपना हेयर। डिलीवरी के बाद मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है ना, मैं बिल्कुल अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो आज वीकेंड था तो मैंने हेयर मास्क लगा ही लिया। एग में कोई भी नॉर्मल अपना हेयर ऑयल डालकर और मिक्स करके बालों में मैं लगा रही हूँ। अब चाहो तो कर्ड भी लगा सकते हो, कर्ड भी इसमें मिक्स कर सकते हो, लेकिन अभी सर्दी थी तो मुझे थोड़ी जुकाम की दिक्कत है, तो मैंने तो कर्ड मिक्स नहीं किया।